नमस्कार दोस्तों, जीके गुरुजी चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान के मूल ढांचे के बारे में, संविधान सभा के बारे में। और इस अगर आपने अभी तक इससे पहले की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, उसका लिंक मैं ऊपर आई इंडिकेटर में दे दूंगा। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि उसी का ही अगला भाग आज की इस वीडियो से रिलेटेड है। तो आज के बारे में हम उसके जो संविधान को निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के मूल ढांचे के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली की। तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद आता है संघात्मक ढांचा। तो संघात्मक ढांचे के अंदर अपने अखिल भारतीय सेवाएं आ गई, राज्यपाल आ गए, GST आ गई, आतंकवाद निरोधी केंद्र आ गए और CRPF आ गई। ये सभी इसके संघात्मक ढांचे हैं। और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। अगर पॉजिटिव पॉइंटों को देखें तो नीति आयोग हो गई, GST काउंसलिंग हो गई और इसके अलावा अंतर्राज्य परिषद भी है। तो कई संस्थाएं हैं इसके अंदर जिसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी धर्म शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। इसके लिए एक अच्छा सा शब्द है पंथ निरपेक्ष, जिसका ही प्रयोग संविधान में किया गया है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। उसके बाद आता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो न्यायालय ने कई ऐसे अहम फैसले लिए हैं अगर वर्तमान देखे जाए तो। इसके बाद इसके अंदर न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका इंटरनल करप्शन, मतलब आंतरिक भ्रष्टाचार, जिसने न्यायिक पुनरावलोकन को कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी रूप में किया हो, लेकिन थोड़ा सा प्रभावित किया है इसे। इसके बाद आता है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था। ये भी जब इसका प्रारंभ हुआ था तो काफी अच्छे उसमें था, लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो ये चुनाव व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। और धीरे धीरे अगर देखा भी जा रहा है कि आजकल हो भी रहा है ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी गड़बड़ी के कई केस भी आए हैं। तो इस प्रकार से ये चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आराम से इन सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे संविधान सभा की, ये क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, संविधान होता क्या है? तो जनता द्वारा निर्मित संविधान सभा कानून एवं नियमों का वह संकलन जिसमें स्वयं जनता एवं शासन व्यवस्था संचालित, नियंत्रित एवं समन्वित होती है, वह संविधान कहलाता है। तो संविधान के विकास की जो प्रक्रिया है वो भारत शासन अधिनियम 1858 से शुरू होकर भारत शासन अधिनियम 1947 तक चली थी, तथा इसका जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया है। तो संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी? तो संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा की जरूरत पड़ी। उसके बाद है क्या संविधान सभा है क्या? तो संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधि, जो प्रांतीय प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए थे, उनकी जो संस्था है वो ही संविधान सभा है। तो अगर हम देखें तो संविधान जेनिंग्स, एक ब्रिटिश वो था ये, तो संविधान सभा ऐसी प्रतिनिधियात्मक संस्था है जिसे नवीन सभा पर विचार करने, अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हेतु चुना गया है। ये हो गया इसका। और ये कैसे कि मतलब किस तरह तैयार हुई, तो देखिए, तो संविधान सभा की जो सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष मांग जो की थी वो 1895 में लोकमान्य तिलक ने की थी। उसके बाद है असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय निर्मित करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है वो भारत सचिव की चुनौती को जवाब देने के लिए, जो उस टाइम का जो गवर्नर था तो उसने चुनौती दी थी कि ये भारत के जो लोग हैं ये अपना संविधान कैसे निर्मित करेंगे, गुलाम होते हुए कैसे निर्मित करेंगे। तो इसका जो बात का जवाब देने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सन 1928 से 1929 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी,
जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, कि लगभग ऐसे कहते हैं, मतलब कहा गया है कि लगभग जैसे इसके जो 200 आर्टिकल थे वो ऐसे कैसे भारत के संविधान के अंदर एज इट इज लिए गए हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। तो लगभग ऐसे ब्लूप्रिंट हो गया जैसे कोई भी फोटोकॉपी स्टेप टाइप नहीं होता, अपन किसी भी चीज को अपने दिमाग में होता है उसको अपन एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, फिर उसका जो अपन उसको ओरिजिनल रूप में करते हैं, तो सेम उसी तरह है। उसके बाद अगर इसका चौथा पॉइंट देखें तो कराची अधिवेशन में 1931 में M.N. रॉय ने संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग की थी। अप्रत्यक्ष मांग तो लोकमान्य गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी, लेकिन जो प्रत्यक्ष मांग जो की थी वो 1931 में M.N. रॉय ने कराची अधिवेशन में कही गई थी। तो इस मांग को लखनऊ अधिवेशन में वापस दोहराया गया था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार क्या था कि जो 1935 का अधिनियम है वही संविधान का आधार भी हो सकता है। उनका यह मत था कि मतलब संविधान सभा को निर्मित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1935 का जो अधिनियम के अंदर जो लगभग जो प्रोसेस था अधिनियम, मतलब जो आर्टिकल वगैरह उसमें लिए गए थे उसी से ही उसी को भारत संविधान में लागू कर दिया जाए। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव जिसमें लॉर्ड लिथगो के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इसके बाद अनेक मिशन भी हैं, इसके उपरांत क्रिप्स 1942, बाबेल योजना 1945 का प्रस्ताव भारतीयों ने नकार दिया, फिर कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो दोस्तों उसके बाद जब कहीं से प्रस्ताव का जो प्रस्ताव थे वो 1940 में ही आ गया था, मतलब लॉर्ड अगस्त ने पहले ही प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन जो कैबिनेट मिशन जो आया था लगभग 1946 में वही पसंद आया था। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।